अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों? हमारी डक्स ने देखा कितना रोला डाला हुआ है, ये देखें। दोस्तों बहुत ज़्यादा यार ये रोला डालती हैं, इनका शोर शराबा इतना होता है ना, ये देखें मेरे साथ साथ आ रही हैं। ये इन्होंने ब्रेड को देख लिया है, ब्रेड मैं लेके आया हूँ यार अपने लबड़ के लिए, और ये हमारे किटन के लिए जो है ना, ये हमारी बिल्ली के बच्चे के लिए थोड़ा सा चिकन है, और असील मुर्गियाँ भी आ गई हैं। अच्छा यार आता हूँ, वेट करें वेट करें। और ये असील मुर्गियों के काम चेक करें हमारे, इन्होंने बर्ड सेटअप को देखे कितना गंदा कर दिया यार। दोस्तों मैं ना अपने डक्स को दाना डालना तो नहीं, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा रोला डालते रहना है। चलो भी आ जाओ, ये देखें। और यहाँ पे डालते हैं कुछ को, यहाँ पे डालते हैं, आधे इधर आ जाओ यार। और ये देखें हमारी मुर्गियाँ जो है ना, असील मुर्गियाँ जो हमने यहाँ पे शिफ्ट की हैं, वो चाह रही हैं कि हमें भी बाहर निकालें और दाना छाना डालें, तो इनको भी यार थोड़ी देर के लिए खोल देते हैं। वैसे तो इनको अभी खोलना नहीं था, ये पता है यार ये उड़ के बाहर चले जाते हैं। ओ देखो इधर क्या हो गया, इस्माइल छोड़ दो, ना करो यार, वो खुद ही निकल आएगा, उसके पर ख़राब हो जाने। आप यहाँ पे आ जाओ यार, ये देखो ना ये मेरे पाँव में आ रही हैं, तो इनको इस साइड पे भी डाल देता हूँ। ये एक जगह ना रह नहीं सकती, ये देखें एक ग्रुप यहाँ पे है, दूसरा वहाँ पे है, तो इसीलिए इनको ना मुख्तलिफ जगहों पे डालना पड़ता है। और इस्माइल इसको यार बाहर रहने दो, ये देखें हमारे मुर्गे को, अब ये इधर आ गई। ओ भाई बस कर बस, बहुत ज़्यादा रोला डाला है, इनकी वजह से ना जो है ना मैं व्लॉग सही तरीके से नहीं बना पा रहा हूँ। ये देखें दोस्तों मैंने ये ना कप पकड़ा हुआ है दाने वाला, तो इसीलिए ये जो मेरे पास पास आई जा रही है, हालांकि यार इधर दाना डाला भी है, यहाँ पे नहीं खा रही। चलो आ जाओ फिर, ये चौथी जगह पर फिर डाल देते हैं यहाँ पे भी। और इस्माइल जो है ना रैबिट को भी ले आया, छोड़ दो यार इसको बाहर, वो जा रहा है बाहर। इस्माइल आपके पाँव के नीचे ना किटन है। तो दोस्तों यार सबको दाना पानी डाल दिया है, और हमारे जो है ना ये शराजी कबूतर, ये भी थोड़ा सा बेताब है, तो यार इनको अभी नहीं मैंने दाना पानी डालना। ये ना आजकल ज़रा मैं इनको यहाँ पे शिफ्ट कर दिए ना, ये थोड़े से ढीले हो गए हैं, तो अब तो यार एक्टिव लग रहे हैं। वैसे थोड़ी देर पहले जब मैं इनको देख रहा था तो यार ये क्या हो गया, ओए होए लड़ाई करने लग गए हैं यार ये तो। पीछे करो, भगा दो इनको। दोस्तों दोनों मुर्गों को खोल दिया, और ये देखें इनके काम, ये बाहर चले जाते हैं यार, इनका यही बस रोल है। ये देखें अब वो दीवार पे चढ़ गया है। और दोस्तों वो देखें जुहान भी आ गया है, और अब मौका अच्छा है क्योंकि हमारी डक्स जो है ना वो रोला छोला ज़रा काफ़ी डालती हैं, तो मैं जाता हूँ अंदर। यहाँ पे यार इनको ज़रा डाल देते हैं, ये ब्रेड वगैरह डाल देते हैं इनके यार स्लाइसेस को, आधा आधा कर देते हैं। ये होदिए भी थोड़ी देर बाद खा लेंगे। और ये हमारा करीम है, करीम हेलो। दोस्तों हमारा करीम जो है ना यार ये परेशान ही बैठा रहता है, और इसका दरवाज़ा खुला था यार केक का, इसको मैंने अभी बंद किया। कौन सा मिठू? और यार ये देखो डक्स फिर आ गई हैं यार, इसको बाहर निकालो, ये डंडा पकड़ो और इनको डरा कर बाहर निकाल दो। चलो 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 बैट से डराओ। और दोस्तों हमारी डब जो है ये भी बड़े आराम से बैठी हुई हैं।
ये देखें दोस्तों, इसका जो बच्चा था ना माशाल्लाह से बड़ा हो गया, जिसको भाई निकालते हैं कहीं उड़ ना जाए यार। ये देखें यार, इसका कलर बड़ा प्यारा हो गया, बादामी सा कलर है, देखें कितना खूबसूरत कलर है इसका। ये और हमारे यार दबाज कबूतर जो है ना, वो देखें वो ऊपर बैठे हुए हैं। तो यार ये देखें डक से अंदर आ गई, इनका यार बस यही रोला रहता है। ये फर्स्ट टाइम जो है ना दोस्तों, हमने इसको बाहर निकाला है, और पता नहीं यार ये उड़ता है कि नहीं उड़ता। वैसे तो ये बड़ा हो गया अब, तो पता कोई नहीं कहीं उड़ ही जाए, तो बेहतर यही है इसको पकड़ के हम बंद ही कर दें। इसके अंदर ही रहना चाहिए यार इसको। ये पिंजरे का लॉक भी लगा देते हैं। लें जनाब, इनको अभी थोड़ी सी ब्रेड डाल देते हैं यार, जिसने खानी होगी खा लेंगे, ठीक है। ये इनको भी ब्रेड डाल दिए। ज़्यादातर दोस्तों ये जो हमारे पैरट है ना, ये बड़े शौक़ से खाते हैं, तो इनको मैं छोटे छोटे स्लाइस करके ना आधे आधे करके डाल रहा हूँ। ये देखें अल्बिनो जो है हमारा पैर, ये भी अभी खाने आ जाएगा। और ये जो फैमिली है दोस्तों, ये भी अभी अंदर है, अभी देखिएगा ये भी थोड़ी देर में ये बाहर आ जाएंगे। और अब जनाब ये दो केज रह गए हैं, तो इनको भी डाल देते हैं यार। यहाँ पे ज़रा थोड़ी ब्रेड डालते हैं, और यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए। तो दोस्तों अभी ये दो मिनट में आ जाएंगे, ये देखिएगा दोस्तों ये खाने के लिए आ गए। ये देखें ब्रेड को यार बड़े शौक से खाते हैं ये। ये आपको नज़र आ रहा होगा यार, और साथ साथ यार देखो जैसे लोग जो है ना चाय में बिस्किट डिबो के खाते हैं, और ये पैरट के काम चेक करो, वहाँ से पकड़ता है ब्रेड और ये पानी में डुबो डुबो के खा रहा है। ये चेक करें, आपको नज़र आ रहा होगा यार। वाह यार वाह, क्या बात है। ये देखें इनको भी लगता है ऐसे मज़ा नहीं आता ऐसे खाने का, तो हर एक का अपना अपना तरीका है। और ये जो है ये अभी नीचे नहीं आ रहे, और वो देखें वो ब्लैक मार्क्स निकलने की कोशिश कर रहा है, उसको पता लग गया कि यार नीचे ब्रेड आ गई है। तो अभी थोड़ी देर में ये आ जाते हैं सारे। क्या लाते हैं इस्माइल, आ जाओ यार। और मैं चाह रहा हूँ यार, हमने सबको खोल दिया ना ऐसे, तो अब किटन को बंद करते हैं। इसको बंद करके ना यार इसको भी कुछ डाल देते हैं। वो चिकन जो लेके आए हैं वो मैं इसको डालता हूँ यार अभी। ये हमारा मुर्गा देखें माशाल्लाह प्यारा हो गया ना दोस्तों। ये देखें हमारी जो डक्स है ना, ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है यार, लेकिन थोड़ा सा ना ये देखें गंदी हो गई है। ये कितनी खूबसूरत बतख थी, अभी ये देखें गंदी हो गई गंदे पानी में। और ये हमारी देसी मुर्गी, अबे उड़ जाएगा, छोड़ाओ छोड़ाओ अंदर छोड़ाओ, ये उड़ जाता है। पर कम नहीं है, उड़ जाएगा पता कोई नहीं है। अच्छा अच्छा छोड़ा हुआ, जल्दी से छोड़ो, जल्दी से अंदर छोड़ो, जल्दी करो। ओ भाई नुकसान ना करा दी बंद करो, अंदर छोड़ के आओ उसको। ओए यहाँ पे नहीं, ये देखे डक ने हमला कर दिया। ओए पकड़ ले पकड़ ले इस्माइल, इसको केज में बंद कर दो। ये देखें दोस्तों, तो दोस्तों वक्ती तौर पे यार हमने इसको ज़रा बंद कर दिया कि यहाँ पे ना अपना चिकन वगैरह खा ले। ये देखें चिकन को खा रही है। नहीं यार उसको नहीं खोलना, वो उड़ जाएंगे तो फिर बंद नहीं होंगे। हैं दाना डालने से आ जाते हैं। चलो एक निकाल लो फिर, कौन सा निकालोगे, आपसे पकड़े ही नहीं जाने, आपसे पकड़े ही नहीं जाने यार।
यार दोस्तों, जब से हमने ये सेटअप बनाया है ना बाहर वाला, तो यार बड़ा सुकून हो गया। पहले ये होता था कि अंदर से इनको पकड़ के लाएं, फिर बाहर इनको दाने के लिए यहाँ पर छोड़ते थे कुछ देर के लिए, और फिर जनाब इनको बंद करने में इतना टाइम लग जाता था। तो अब ये आसानी हो गई है ज़रा। और कुछ दिन से हम वैसे ये अपने कबूतरों को इसलिए बाहर नहीं निकाले क्योंकि ये अंदर की इनको आदत है ना, अंदर बर्ड सेटअप की आदत है। और बाहर हमने कहा यार इसको इनका यही पिंजरा बना देते हैं, फिर इनको पता लग जाएगा कि भैया हमने यहीं पे आना है और यहीं पे सोना है और यहीं पे रहना है। पकड़ लिए, चलो बस एक ही पकड़ना फिर। क्या करने क्या लगे हो आप? छोड़ना है तो छोड़ दो फिर, जंगली के साथ छोड़ना, छोड़ दो यार। दोस्तों व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।